आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपेश अवस्थी का है, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में पिछले साल 2017 में शुरू हुई एकात्म यात्रा पर खर्च को लेकर गुरुवार को राज्य विधानसभा में सत्ता और विपक्षी दल के सदस्यों में खासा विवाद हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में एकात्म यात्रा के प्रारंभ दिनांक से समापन दिनांक तक राज्य के खजाने से कुल कितनी राशि किन किन कार्यों के लिए खर्च की गई। उन्होंने एकात्म यात्रा के समापन समारोह में ये जानना चाहा कि समापन समारोह में शामिल होने के लिए ओमकारेश्वर में आमजनों को लाने ले जाने के लिए किस किस जिले से कितनी कितनी निजी बसों का अधिग्रहण किया गया था। साथ ही कांग्रेस ने विधायक से ये भी पूछा कि इन बसों का किराया भुगतान किए जाने के क्या मापदंड निर्धारित किए गए थे। बस संचालकों के बस नाम और क्रमांक तथा उन्हें किए गए भुगतान की पूरी जानकारी कांग्रेस विधायक ने मांगी। कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह का सवाल समाप्त होते ही कांग्रेस के एक अन्य विधायक राम निवास रावत ने भी सवाल दाग दिया। इसको लेकर अन्य विधायक सत्तारूढ़ दल के विधायक भी बोलने लगे। वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने जवाब दिया कि इसमें 5 करोड़ की राशि जिला स्तर पर होने वाले जनसंवाद कार्यक्रमों में खर्च की गई। इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में विकास प्राधिकरणों में बैकलॉग श्रेणी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती में नियमों को दरकिनार किया गया है। इस पर आवास विकास मंत्री माया सिंह ने माना कि त्रुटि हुई है। उन्होंने एक माह में जाँच कराए जाने की बात कही। कांग्रेस विधायक चंदा गौर ने खरगापुर में सरकारी कॉलेज खोले जाने की मांग उठाई। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि आसपास कोई कॉलेज न होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने उनकी मांग को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि विधायक की मांग पर ही बलदेवगढ़ में कॉलेज प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक यह कॉलेज इसी सत्र से शुरू हो रहा है। बलदेवगढ़ की दूरी खरगापुर से मात्र 10 किलोमीटर है। इसी प्रकार कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच जिले में कॉलेज खोले जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की स्थिति जानना चाहा। इस पर मंत्री पवैया ने कहा कि सीएम की घोषणा का पालन हो रहा है। उन्होंने विधायक से कहा कि वे किराए के भवन की व्यवस्था करवा दे, कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के सदस्य अपनी बात कहते रहे। स्पीकर डॉ. सीता सनन शर्मा हस्तक्षेप करते हुए मंत्री शेजवार को जवाब देने के लिए कहा। कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह के सवाल पर मंत्री शेजवार ने कहा कि जन अभियान परिषद को इस यात्रा के लिए नोडल एजेंसी नहीं बनाया गया था। इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब ये नोडल एजेंसी नहीं थी तो फिर परिषद ने यात्रा का लाखों रुपए का खर्च क्यों उठाया। उन्होंने सरकारी खजाने से हुए इस खर्च को नियम विरुद्ध बताया। कांग्रेस विधायक का कहना था कि जन अभियान परिषद के कार्य नियमों में ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक यात्रा कराएगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ये यात्रा धार्मिक है और सरकार की ओर से जवाब आया है कि ये यात्रा धार्मिक नहीं थी। उन्होंने पूछा कि अब बताओ मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं या फिर सरकार की ओर से आया जवाब सही है। कांग्रेस विधायक के सवाल पर सत्ता पक्ष के विधायक भी बोलने लगे। उनके जवाब में विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भी बोलना शुरू कर दिया। शोर शराबे में दोनों पक्षों की बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दी। कांग्रेस के रामनिवास रावत ने कहा कि जब नोडल एजेंसी नहीं थी तो जन अभियान परिषद को काम किस आधार पर दिया गया। गोविंद सिंह ने इस यात्रा में भ्रष्टाचार और जनता के पैसे का दुरुपयोग होने की बात कही। श्री गोविंद सिंह के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि यात्रा पर 9,73,93,000 रुपए खर्च हुए हैं। भार्गव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 5 से 7 हजार की आबादी होने पर पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग करना आजकल फैशन बन गया है। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार पंचायतें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी ऐसा हुआ है जिसमें कई गांव आवास योजना से वंचित हैं। मंत्री भार्गव ने भाजपा विधायक डॉ. योगेंद्र निर्मल के सवाल के जवाब में ये बात कही। भाजपा विधायक डॉ. निर्मल ने कहा था कि बालाघाट जिले की खाती समेत कई पंचायतें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से वंचित हैं, इसलिए सरकार ऐसे गाँवों को योजना का लाभ दिलवाए।
प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों में बैकलॉग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में कर्मचारियों की नियुक्ति का मसला उठाया। इसके जवाब में मंत्री माया सिंह ने कहा कि त्रुटिवश नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई थी, जिसे ठीक करा लिया जाएगा। इससे पहले सदन शुरू होने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधायक यशपाल सिसोदिया ने कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होने की ओर आसंदी का ध्यान दिलाया। इस बीच कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि यूपी में बीजेपी हार गई है, मुख्यमंत्री की सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है, पार्षद अधिक वोट पा रहे हैं, इसको लेकर कुछ देर तक खास परिहास चला। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को दिए गए लिखित उत्तर में नगरीय आवास मंत्री माया सिंह ने स्वीकारा कि राज्य वस्त्र स्वच्छता मंडल का अभी तक गठन नहीं किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री इसकी घोषणा जनवरी 2014 में कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक ने नगरीय आवास मंत्री से पूछा कि क्या 9 जनवरी 2014 को राज्यपाल के अभिभाषण में लाए गए बिंदु क्रमांक 29 में मध्यप्रदेश के शिल्पी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मंडल और मध्यप्रदेश सिलाई कला मंडल के गठन की बात कही गई थी। मंत्री माया सिंह ने लिखित जवाब में कहा कि राज्य वस्त्र स्वच्छता मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मनोनयन नहीं किया गया है। चार साल बाद भी किसी का मनोनयन नहीं हो पाने के लिए मंत्री ने किसी को दोषी नहीं बताया। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार के सवाल पर लिखित जानकारी दी कि पिछले एक साल में मध्यप्रदेश में कुल 32 बाघों की मौत हो गई है। वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकार राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, श्वान स्क्वाड, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग ले रही है। उन्होंने बताया कि अधिकांश बाघों की प्राकृतिक मौत हुई है। दो बाघों की लड़ाई और बीमारी से उनकी मौत हुई है। वन्य प्राणियों की मौत पर अंकुश लगाने के लिए वन अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थायी कर्मचारियों, ईडीसी, सुरक्षा कर्मियों की रात्रि और दिन में गश्ती कर वन क्षेत्र से गुजरने वाली बिजली की लाइनों की चेकिंग की जाती है। वाटर होल बैरियर से निकलने वाले वाहनों की भी नियमित चेकिंग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल गौर ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो शुरू न हो पाने पर कामकाज पर सवाल उठाया। शून्यकाल के दौरान गौर ने कहा कि सरकार मेट्रो शुरू करने के मामले में पिछड़ी है, इसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गोरख धंधे में ना पड़े और मेट्रो शुरू की जाए। शून्यकाल के दौरान ही कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने महिला सुरक्षा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, इससे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला शांत नहीं हुआ और बैतूल की एक अन्य छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्राएं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार 70 रुपए की साड़ी 260 रुपए में खरीद रही है। आदिवासियों के लिए खरीदी जा रही इस साड़ी के लिए उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को ठग रही है, उन्हें उन्हीं को दी जाने वाली राशि से खरीद रही है। उन्होंने बड़े घोटाले का अंदेशा भी जताया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में आदिवासियों की मदद करना चाहती है तो उनके खाते में सीधे ही राशि डाली जाए, जिससे उन्हें वास्तव में इसका लाभ मिल सके। गुरुवार को भी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रही। आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा कल भी जारी रहेगी।